उत्तराखंड में पुल के बीचों बीच पहुंचा ट्रक तो धस गया पुल। भारत को चीन सीमा से जोड़ता था पुल। 180 फीट लंबा पुल एक ट्रक का वजन तक नहीं सह सका। ये खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आई है। यहां आदि कैलाश मोटर मार्ग पर बीआरओ द्वारा बनाया गया 180 फीट लंबा वैली ब्रिज अचानक धस गया, जिसके बाद भारत के अंतिम गांव कुटी और अग्रिम चौकियों से मोटर मार्ग का संपर्क पूरी तरह कट गया है। इसके अलावा आदि कैलाश को जोड़ने वाली सड़क भी बंद हो गई है। अब आप यह भी जान लीजिए कि यह पुल आखिर टूटा कैसे। दरअसल उच्च हिमालयी क्षेत्र में नाबी और कुटी के बीच नहलगाड़ पर बनाए गए इस पुल से जब एक ट्रक गुजरा तो पुल ट्रक का वजन नहीं सह सका। जैसे ही ट्रक पुल के बीचों बीच पहुंचा था तो यह पुल धड़ाम नदी में गिर गया। हालांकि इस हादसे के वक्त गरिमत रहे कि वाहन में सवार चालक को गंभीर चोटें नहीं आई। समाचार पत्र अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक बीआरओ के कमांडर कर्नल हरीश कोटनाला ने बताया है कि घटना रविवार शाम की है। शुरुआती तौर पर बारिश के कारण सपोर्ट अनस्टेबल होने से संभावित घटना हुई है। इसके आगे जांच चल रही है और यातायात को सुचारू करने के लिए काम किया जा रहा है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।